तो फ्रेंड्स, क्या आपको भी चिपचिपे पानी या धात रोग आने की शिकायत है? नाइटफॉल यानी स्वप्नदोष बार बार होता है, पेशाब में जलन है, पेशाब बार बार आता है, जोड़ों या हड्डियों में भी दर्द रहता है, मसाने में गर्मी है, लिवर में गर्मी है या शरीर में गर्मी है और कुछ खाया पिया नहीं लगता, जिसके कारण शरीर भी कमजोर हो चुका है, तो इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इस वीडियो में बताया गया है कि आप इन सारी समस्याओं से कैसे छुटकारा पा सकते हैं, वो भी हमेशा के लिए। तो शुरुआत करेंगे कि चिपचिपे पानी आने की समस्या किन कारणों से होती है, इसके क्या क्या साइड इफेक्ट्स हैं, खाने में क्या खाएं और क्या न खाएं, और इलाज कैसे करें। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आयुर्वेदा हेल्थ एंड वेल्थ। तो फ्रेंड्स, शुरुआत हम करेंगे कि चिपचिपे पानी आने की समस्या किन किन कारणों से होती है। तो दोस्तों, पहला है किसी को ज्यादा नाइटफॉल हो रहा हो, दूसरा मास्टरबेशन यानी हद से ज्यादा हस्तमैथुन करना, तीसरा किसी ने अपना वीर्य ज्यादा निकाल दिया हो सेक्स के दौरान, चौथा रीजन जो सबसे मेन रीजन है जिससे 90% लड़के बीमार हो रहे हैं, वो है लंबे समय तक किसी लड़की से फोन पर बात करना। उससे क्या होता है कि लिंग में बार बार तनाव आता है और फिर बार बार चिपचिपा पानी निकलता है, फिर लिंग की नसें धीरे धीरे कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं और फिर लिंग पूरी तरह सिकुड़ जाता है। अब आता है पांचवा रीजन, इससे भी काफी लड़के बीमार हो रहे हैं, और वो है हद से ज्यादा पोर्न मूवी या वीडियो देखना। तो अगर आप डेली ऐसा ही काम करते हैं तो इन कामों को पूरी तरह बंद कर दें, क्योंकि ऐसा काम बार बार करने से शरीर को काफी नुकसान होगा। तो आप अपने दिल दिमाग को पूरी तरह साफ रखें, जो बातें मैंने बताई हैं उनका भी ध्यान रखें, और सबसे पहली बात, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना है, क्योंकि ये एक शारीरिक बीमारी है, इसका उपाय है, लेकिन उससे पहले आपको वो सारी हरकतें छोड़ देनी है जो आप करते हैं, जैसे मास्टरबेशन यानी हस्तमैथुन करना, लड़कियों से फोन पर बातें करना और पोर्न मूवी या वीडियो देखना। तो इन्हें बिल्कुल कम कर दें या हो सके तो बिल्कुल बंद ही कर दें। उससे क्या होगा कि आपका शरीर फिर से मजबूत होना शुरू होगा। और अब क्या है कि आपने और वीडियो देखी होंगी जिसमें बताया है कि अदरक खा लो, भिंडी खा लो, ये कर लो, वो कर लो, ये समस्या ठीक हो जाएगी। अगर ऐसा होना होता तो वो तो आप वैसे ही खाने में खा लेते हो, उससे कुछ नहीं होता। तो शायद इसी वजह से आप इस वीडियो में अभी तक मेरे साथ बने हुए हो, और आप ऐसे ही बने रहना, क्योंकि कुछ टाइम के बाद आप भूल ही जाओगे कि ये परेशानी आपको पहले हुआ करती थी। और फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे, ताकि ऐसी हेल्थफुल यानी लाभदायक वीडियो आप कभी मिस न करें। तो उसके बाद आप क्या करते हो कि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो और वहाँ से कुछ दवाइयाँ ले आते हो, फिर आप उन्हें खा लेते हो और अब वो टॉयलेट के रास्ते बाहर आ जाती है, उससे कोई फायदा नहीं होता। और अब आप परेशान हो जाते हो कि इस दवाई को तो मैं काफी समय से खा रहा हूँ फिर भी फायदा नहीं हुआ, अब मैं क्या करूँ। तो अब समझे इस चीज को कि आपको यहीं पर मेंटली स्ट्रांग होने की जरूरत है, और बस हमें इससे छुटकारा पाने के बारे में सोचना है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये सिर्फ एक शारीरिक बीमारी है, इस बीमारी का उपाय भी है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने साल दो साल से हस्तमैथुन नहीं किया, तो उन्हें मेंटली स्ट्रांग होने की जरूरत है कि उन्हें अपना डेली रूटीन बनाने की जरूरत है, मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने की जरूरत है। बाकी जो दवाएं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उसे भी आपको लेना है। और अब बात करते हैं कि ये बीमारी किन किन शक्लों में आती है, जैसे तनाव आया, चिपचिपा पानी निकला, फिर तनाव खत्म, अब तनाव ही नहीं आ रहा पूरे दिन में, और स्वप्नदोष हो जाना, जैसे रात को सोए, सुबह देखा तो अंडरवेयर में लिक्विड डिस्चार्ज। तो अलग अलग शेप एंड फॉर्म में ये परेशानियां आती हैं। तो अब बात करते हैं कि कैसे इस समस्या से छुटकारा पाएं। पहली चीज, फर्क इससे नहीं पड़ता कि आपने 15,000 की दवाई खाई, 10,000 की दवाई खाई, 5,000 की, 1,000 की, 500 की या फिर 200 की दवाई खाए। फर्क इससे पड़ता है कि जो दवाई आपने खाई है उस दवाई का कॉम्पोजिशन अच्छा है या नहीं। और अगर आपसे कोई कहे कि ये एक आयुर्वेदिक दवाई है, थोड़ा टाइम लेगी ठीक होने में, 1 महीना 2 महीने या फिर 3 महीने, तो वो एक हद तक ठीक है। लेकिन अगर उस दवाई का फर्क आपको 15 दिन में नहीं दिखता, तो उस दवाई को आप 15 साल भी खा लोगे तो भी उससे कुछ नहीं होने वाला।
क्योंकि आयुर्वेदिक दवाई का असर 15 दिन में दिखना शुरू हो जाता है, तो ऐसी दवाइयों या नुस्खों से आप ठीक नहीं हो पाएंगे। तो अब बात करते हैं कि खाने में क्या लें और क्या न लें। तो आप मसाले वाली चीजें बंद करें, क्योंकि 80% जिनको ये परेशानी रहती है उन्हें एक और परेशानी होती है, पेट की परेशानी, जैसे हाजमा ठीक नहीं है पेट में, खट्टी डकारें आती हैं, एसिडिटी रहती है या कब्ज है, तो ये परेशानियां रहती हैं। और 20% लोग ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि उनका पेट साफ है, लेकिन ऐसा नहीं है, उन्हें भी पेट की परेशानी रहती है, पर थोड़ी कम अमाउंट में होती है। और जब तक आपका पेट ठीक नहीं है, आप आयुर्वेदिक के अंदर कोई सी भी दवाई खा लें, वो फायदा नहीं करेगी। तो पहले हमें पेट पर काम करना है, और परहेज आपको करना है गर्म चीजों का, जैसे मांस, अंडा, मछली, मुर्गी और बकरे का। इन्हें हो सके तो 1 महीने के लिए बिल्कुल बंद ही कर दें, क्योंकि नॉन वेज में डलते हैं बहुत सारे मसाले। अब बात करते हैं कि खाने में आप क्या ले सकते हैं। आप हरी सब्जियां ले सकते हैं, जैसे भिंडी, लौकी, तुरई, करेला, अरवी और आलू गोभी रात में नहीं खाने हैं, दिन में खा सकते हैं। फल और दालें भी ले सकते हैं, तो इसी तरह से आपका इलाज चलेगा। और दिन में दूध लेना है, रात में नहीं, क्योंकि उससे डाइजेस्टन में फर्क पड़ सकता है। और फल जरूर खाने हैं, क्योंकि फल के अंदर भरी मात्रा में होता है फाइबर, मिनरल्स और विटामिन्स, जो कि शरीर की कमियों को दूर करने में काफी मदद करते हैं, और दिल की बीमारी को कम करने, कैंसर, सूजन, खुजली और डायबिटीज जैसी बीमारियों में काफी कारगर साबित हुए हैं। और फ्रेंड्स, बाजार की चीजें बंद करें, जैसे बर्गर, पिज्जा, चौमीन, मोमोज, समोसा और पैटीज जैसी चीजें। और एक और बात, जब आप दवाई लें तो इसमें 30 मिनट का गैप जरूर रखें, सुबह भी और रात को भी। इसी के साथ शरीर में कमजोरी भी आती है, उसका इलाज ये है कि आप ज्यादा से ज्यादा फल खाएं। और हो सकता है कि आपके मन में ये भी हो कि क्यों ना सारी जड़ी बूटियां घर पर लाकर ही इलाज कर लें। तो ठीक है, आपने ऐसा सोचा और अब आप जड़ी बूटियां लेने जाते हो, लेकिन आप पहचान कैसे करोगे कि जो जड़ी बूटियां आप लेने गए हो वो असली है या नहीं? और क्या पता कि कौन सी जड़ी बूटियां मिले और कौन सी नहीं मिले? तो इसी वजह से मैं ये दवाई बता रहा हूँ, जिसका नाम है सफूफ मुकव्वी। मैं इस दवाई के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिन लोगों ने इस दवाई को लिया है, उनकी जो चिपचिपे पानी की समस्या थी, नाइटफॉल की समस्या थी, पेशाब में दिक्कत थी, वो अब पूरी तरह से ठीक है। अगर वो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो पर एक कॉमेंट जरूर करें, ताकि जो लोग इस वीडियो में अभी तक जुड़े हुए हैं उन्हें भी इस दवाई के बारे में पता चले कि ये किस तरह से काम करती है, और ये भी बताएं कि कितने दिन में आप बिल्कुल ठीक हो गए। और अब बात कर लेते हैं इस दवाई के इंग्रेडिएंट्स यानी जड़ी बूटियों की। तो इसमें है गोंद, कीकर, लाजवंती, अश्वगंधा, तेजू के फूल, बीज बंद, पीपल मग, वंश लोचन, कमरकस, गोंद कतीरा, दारचीनी, वांग भसम, लौह भसम, सभालू, तुख मैं काहू, मुलेथी, ब्रह्माम लाल, सिंगाड़ा, सफेद मूसली, बिदारी खंड, ताल मखना, सकाकुल मुश्री, सतावर, तुख मैं रिहान और गोकरू जैसी और कई जड़ी बूटियां हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस दवाई का कोर्स 2 से 3 महीने का होता है, और लगभग 10 से 15 दिन में आपको फायदा दिखना शुरू हो जाएगा, और बाकी के 15 दिन में आपका शरीर रिपेयर होगा। फिर दूसरे महीने में ये दवाई शरीर पर इस तरह काम करेगी कि ये परेशानी दोबारा लौटकर नहीं आए। और एक जरूरी बात, जब ये दवाई आप लें तो कम से कम पूरे 2 महीने लें, गैप नहीं करें, क्योंकि अगर आप 1 महीने लेने के बाद सोचें कि अब तो ये समस्या ठीक हो चुकी है, अब इसे बंद कर देता हूँ, तो ऐसा नहीं है। ये दवाई आपको 2 महीने तो लेनी ही है, क्योंकि आप नहीं चाहते होंगे कि ये समस्या भविष्य में कभी वापस आए, तो इसे 2 महीने तो जरूर लें। और ये एक आयुर्वेदिक दवाई है, इस दवाई के कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं है, मतलब टेंशन फ्री होके आप ये दवाई ले सकते हो। और ये दवाई कैश ऑन डिलीवरी पर उपलब्ध है, मतलब जब ये दवाई आपके पास आएगी तभी आपको पैसे देने हैं। और आपको ऑर्डर करने के लिए व्हाट्सएप पर भेजना होगा नाम, फोन नंबर और अपना एड्रेस पिन कोड के साथ। लगभग 4 से 5 दिन लगेंगे इस दवाई को आपके पास आने में। इस दवाई को खाने का तरीका इसके पैकेट में ही आपको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए आपका शुक्रिया। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें।
और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूले। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।